सिंगरौली एनटीपीसी पावर प्लांट से पंप ऑपरेटर अजीत दुबे के अचानक गायब होने से कंपनी में हड़कंप मच गया। नाराज अजीत के परिजनों ने एनटीपीसी आवास परिसर के बाहर धरना दिया, जिसके बाद डॉग स्क्वाड की टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई है। विंध्यनगर एनटीपीसी पावर प्लांट में ड्यूटी पर गए एक संविदा कर्मी अजीत दुबे के गायब होने की खबर के बाद एनटीपीसी प्रबंधन व पुलिस प्रशासन ने प्लांट के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ ही घंटों में लापता मजदूर के मोबाइल व बैग बरामद कर लिए गए, लेकिन अजीत दुबे का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बताया जा रहा है अजीत शुक्रवार रात ड्यूटी के लिए पॉइंट पर गया हुआ था और हाजिरी भी लगी हुई है। थाना प्रभारी राघवेंद्र द्विवेदी व CISF के जवानों ने परिजनों के साथ पूरे प्लांट में सर्च ऑपरेशन चलाया। कोई सुराग नहीं मिलने से नाराज परिजनों ने NTCP आवासीय परिसर के सामने धरना दिया और नारेबाजी की। फिलहाल स्थानीय पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है। डॉग स्क्वाड की टीम को भी सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। अभी तक कोई खबर नहीं है। अब हम लोगों को लग रहा है कि अब कड़े कदम अब हम लोगों को उठाने पड़ेंगे, इसलिए पुलिस प्रशासन आए और क्या अपडेट है वो हमें सूचित करें। हमको जानकारी मिली, हमारे बड़े भाई साहब जब फोन किए हमको, उनके पिताजी, तो अजीत के साथ कोई घटना हो गई है, इसलिए कि अजीत 11 बजे तक उसकी मोबाइल जो है चलती रही जी, और 11 बजे के बाद जो है हमको आगे का खबर नहीं है कि क्या हुआ उसके साथ। पहले सुबह में मुझे ये पता चला कि उसका पर्स, उसकी बड़ी वाली छोटी वाली मोबाइल उसके साथ में है, बड़ी वाली मोबाइल जो है उसका वहीं पर, जहां पर ड्यूटी करता था वहीं पर पड़ा है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।